हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स। काफ़ी सारी कमेंट्स में आई थी तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और SOE के स्टूडेंट्स के। तो बेटा, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना कि कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो वहाँ पर मैं आपको अपडेट्स दे देती हूँ, ठीक है। तो बच्चे, सबसे पहले जो है बच्चों का काफ़ी कमेंट आ रहा है कि मैम मेरे 84 मार्क्स आ गए तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। मैम, मैंने जो है एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया तो क्या कंफर्म है मेरा एडमिशन्स हो जाएगा। तो सबसे पहले इन बच्चों के आंसर्स के लिए मैं बता दूं आपको बेटा जी कि जो आपका एडमिशन है अभी ये डिपेंड करता है आपके जो है मेरिट लिस्ट आने दो, ठीक है। उसमें आपके नंबर के अकॉर्डिंग कैटेगरी SC ST, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मार्क्स आने दो, तभी ये कंफर्म होगा। पहले से हम कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लो, लिस्ट आने दो और उसके बाद बाकी आप चाहते हो कि आप अपने स्टडी को थोड़ा सा तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ स्कूल खुलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, फिर कहीं जाके स्कूल खुलेंगे, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी बच्चे जो हैं उनको ये नहीं पता है कि SOE में बेटा जो SOE है वहाँ पर स्कूल ऑफ फेमिनेंस जो है वहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, मतलब आपके जो साइंस स्ट्रीम है या फिर कॉमर्स स्ट्रीम है या फिर आर्ट्स स्ट्रीम है, सारे तीनों स्ट्रीम आपको स्कूल ऑफ फेमिनेंस में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कोई बच्चा साइंस लेना चाहता था बट उसकी जो है नहीं मिल रही काउंसलिंग में, उसको साइंस नहीं मिल रही है तो कॉमर्स ले लेगा अगर उसको पता है कि मैंने SOE में ही जाना ही जाना है, ठीक है। अगर नहीं जाना है तो वो अलग बात है, फिर अगर उसने सोचा है कि मैंने जाना ही जाना, चाहे मुझे आर्ट्स में ही क्यों ना मिले सीटें, ठीक है, तो वो उस हिसाब से आपको वो मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके हिसाब से पता लगेगा। और अगर हम बात करें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की, तो बेटा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में आपको पता होगा कि वहाँ आर्ट्स स्ट्रीम नहीं है, वहाँ बेसिकली मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स स्ट्रीम है, ठीक है। तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स मिलेगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल हुई हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी कोई आपके क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल क्वेश्चन कोई भी होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी आपको उसका रिप्लाई देने की, ठीक है। बाकी अभी आप जो है इंतज़ार करो बेटा, अभी आप इंतज़ार करो आपके मेरिट लिस्ट तैयार होने का, ठीक है, तो तभी हम आगे कोई प्रोसेस कर सकेंगे। बाकी अगर जो मेडिकल नॉन मेडिकल में कन्फर्म है बच्चे जाने जाना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से अपने नोट्स बनाना स्टडी स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि आपके जो स्टडी जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल में स्टडी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी सिलेबस भी उन लोगों का स्टार्ट हो गया तो आप पीछे हो रहे हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।